आर इन एक्सिस और डिफिशियंट ऑन द कंडक्टर। आपको क्या कहा गया इस न्यूमेरिकल में कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसके पास आपके पास क्या है, एक चार्ज दिया है कुछ क्यू इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 to the power minus। चलिए मैं इसे करके दिखा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, इसे रिमूव कर दीजिए। चलो इसे करके देखते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम इसे क्लियर करेंगे अपने आप क्वेश्चन को, तो नोट कर लीजिएगा। बाकी जिस बुक से मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा वो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, यदि पॉसिबल हो तो उस बुक को अवेलेबल कर लीजिएगा। तो न्यूमेरिकल्स में आप देख लीजिए या प्रॉब्लम कह सकते हैं आप इसे, तो प्रॉब्लम तो देख लीजिए क्या है प्रॉब्लम आपकी। सॉरी, एक कंडक्टर कैरीज ए चार्ज 9.6 इंटू 10 to the power minus 17 कूलम माइनस, ओके, दिस इज इन कैपिटल, ओके, बिकॉज कूलम इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, ओके। नाउ how many free electrons are in axis or axis or deficient or deficient on the कंडक्टर, ओके। तो दो क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं इसमें। फर्स्ट आंसर आपको देना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये चार्ज आपका डेवलप होगा, दूसरा ये एक्सिस होगी या डिफिशियंट होगी, देखिए किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इसे। आपको पता है कि निगेटिव साइन किस चीज को शो करता है, एक्सिस अमाउंट को, क्लियर है, क्योंकि आपको उसके लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, एड करना होता है। सोल्यूशन वी हैव क्यू इक्वल्स टू माइनस 9.6 into 10 to the power minus 17, ओके, कूलम, ठीक है, ओके। तो आप क्या करोगे, तो इस तरीके से आप ले सकते हो, सिंस Q equals to क्या होता है, माइनस के एन ए फॉर निगेटिवली चार्ज, ठीक है, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है ना आपका, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ and Q is equal to 9.6 into 10 to the power minus 17 equals to minus K and me, and a value of the E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19, not minus 1.6, because this is the fundamental electronic charge, not charge on electron, okay, and cancel out this, this value becomes N equals to 6 into 10 to the power 2, that is 600 electrons, okay, that means if we want to charge a conductor with a charge minus 9.6 into 10 to the minus 17 coulomb, for this conductor have a requirement of 600 electrons in axis amount, okay। तो हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर क्या करने होंगे, देने होंगे इतना चार्ज को डेवलप करने के लिए। तो यहां पर हम इसमें लास्ट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक्सिस, ठीक है, ओके, दिस इज द आंसर। तो दोनों कंडीशंस आपको नोटिफाई करनी होगी यहां पर, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू, प्लीज give me answer of this question immediately, और note कर लीजिएगा, is a charge of 10 to the power minus 21 coulomb possible? First question, is charge of 2.4 into 10 to the power minus 19 coulomb possible? Tell with reason, okay? So complete these questions, and next question for you is
what is the charge on, next problem is, what is the charge on Cu plus plus? Okay, please calculate and subscribe my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar to improve my videos. Okay, please subscribe my YouTube channel and add more subscriber on my YouTube channel. Okay, thank you.